फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल और दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियांशा और मैं आज फैंसी बाज़ार एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ। सो मैं जो कुछ भी लेटेस्ट कलेक्शंस है फैंसी बाज़ार के, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। बाज़ार घुसते ही पहले हम लोग को दिखा स्ट्रीट स्टाइल स्टोर के फ्लैट्स, जिनका कॉस्ट है 100। बहुत ही प्यारे हैं, स्पेशली वाइट वाले। फिर हम आए ये अंदर के मार्केट में, जहाँ मिथिला चादर के लिए बहुत फेमस है। सो मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ। और इन सब का प्राइस, ये होलसेल मार्केट है इसीलिए प्राइस स्टार्टिंग 300 से होता है। वेरी करता है मटेरियल के ऊपर। सो बहुत ही सुंदर है, आप भी आ सकते हो। और ये है फैंसी बाज़ार के जो मेन स्ट्रीट है, ये बाहर के स्टॉल्स है। इसमें आपको कुर्ता, फिर सैंडल्स, दुपट्टा, टॉप्स, बहुत वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे पहले ये सैंडल्स है, ये 50 रुपीज़ स्टार्टिंग है, 50, 100, 150। साइज भी इजीली अवेलेबल है डिज़ाइंस के, सो आप आके देख सकते हो। एंड ये कुर्ता एंड लड़कों का हाफ पैंट, फिर ये प्लाजो पैंट, सब कुछ अवेलेबल है। और ये जो साइड में सेक्शंस आपको दिख रहा है, ये है टॉप्स। तो मैंने देखा है यहाँ पे 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है टॉप, 50, 100। एंड घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे हैं, घर में, कॉलेज में जाने के लिए। फिर मैंने देखा यहाँ पे दुपट्टा, दुपट्टा जो है ये नेट का दुपट्टा है। एंड बहुत सारे डिज़ाइंस में, कलर्स में आपको मिल जाएंगे। एंड दुपट्टा का प्राइस भी बहुत कम है, 100, 150, 200 में। बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टा जो आप लहंगा के साथ, कुर्ती के साथ, सलवार के साथ, हर चीज़ के साथ कैरी कर सकते हो। और मुझे इधर आते ही दिखा बच्चों के ड्रेस, ये जो ड्रेसेस है ये सब 50 रुपीज़ पर हेड है। टी शर्ट्स है लड़कों के, फिर टी शर्ट्स के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कुर्ता। कुर्ता का स्टार्टिंग है 150 से, जो मीशो में आपको मिलता है वो सब कम कम दाम में। यहाँ पे कुर्ताज है, फिर शर्ट्स है, फिर जो पेंस है, पेंस भी 150 के है। एंड जो आजकल निकला है फ्लेयर्ड जीन्स, वो भी आपको इजीली फैंसी बाज़ार के स्ट्रीट्स में मिल जाएगा, वो भी बहुत ही कम में। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, इसलिए मैंने मतलब वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा उस कारण के लिए। एंड थोड़ा आगे जाते ही मुझे मिथिला चादर की दुकान दिखाई दिया। एंड वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था इधर पे। एंड ये 250, 300 के मिथिला चादर थे। एंड बहुत सुंदर सुंदर थे, जैसे मैं भी कॉलेज में पढ़ती हूँ तो कॉलेज में मिथिला चादर का बहुत ज़रूरत पड़ता है। एंड ये 250 के टॉप्स थे, जो आपको मिंत्रा फ्लिपकार्ट में बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, बट यहाँ पे बहुत चीप है। मिथिला चादर की दुकान के आगे आप देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे सेल लगा है मिथिला चादर का, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये वाइट वाला, वाइट एंड गोल्डन, मैंने इसका प्राइस ही पूछा था, ये 500 है।
है ये सब इयररिंग्स, इयररिंग्स 50 रुपीज़ स्टार्टिंग है, इवन 20 रुपीज़ का भी इयररिंग्स है। एंड जो ये सब ऊपर का है ये सेशन पूरा 50 रुपीज़ का है। एंड जो बड़े बड़े है जैसे ये सब है 100 का, ये है 100 का। एंड आप इयररिंग्स सब देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत है, और ये सब आप कोई भी दुकान में जाओगे लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होगा। एंड यहाँ पे स्ट्रीट में आपको बैंगल्स, फिर ज्वेलरी के दूसरे दूसरे सामान बहुत कुछ मिल जाएंगे, एंड बहुत ही चीप रेट्स में। मैंने सरस्वती पूजा में भी लिया था यहाँ से। सो हम मुमताज बैग हाउस में भी गए थे थोड़ा टाइम के लिए। सो उधर पे तो इधर पे सेल आप देख ही सकते हो, ये सारा सेशन 150 और 200 का है। एंड बैग्स भी कुछ कुछ सेल्स में लगे थे, इवन 150 का भी बैग था आज, बहुत सुंदर सुंदर। एंड ये सब तो वेरी करता है प्राइजेस। सो इधर हम लोग का बन रहा है चीज़ फ्राइड मोमो। आपको भी फैंसी में आने से यहाँ से खाना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट हम गए कस्तूरी, वहाँ पे हम लोग खाए पनीर जलेबी और चाय। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था पनीर जलेबी, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।